हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्यारह सक्सेस शॉर्ट। ग्यारह सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा होगा, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2016 इंटरव्यू शेड्यूल इंटरव्यू लेटर। तो जी हाँ, इंटरव्यू शेड्यूल एंड इंटरव्यू लेटर दोनों साथ ही में जारी कर दिया गया है। मोस्ट अवेटेड वीडियो, आप सभी पूछ रहे थे कि कब होंगे आपके इंटरव्यूज आखिर। और देखिए, अब की बार जो आपका शेड्यूल जारी हुआ है वो कुछ ऐसा जारी हुआ है कि अब आपको टाइम ही नहीं मिला, ठीक है ना। मैं अभी तक कह रही थी कि आप लोग पढ़ते रहना पढ़ते रहना, देखो कभी भी आ जाएगा। और देखो ऐसा भी आया कि टाइम नहीं मिला है आपको। चलिए दिखाते हैं कि क्या नोटिस आई है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। तो चलिए सिर्फ काम की चीज़ें पढ़ते हैं। बस आप ये देख लो कि जो परीक्षा है वो आपकी 26 परीक्षा 2016 दिनांक देख लो, 8 सितंबर 2021, यानी कि विज्ञापन संख्या जो है आपकी 26 परीक्षा 2016 है, यानी कि आप वाली ही है, जूनियर असिस्टेंट 2016, ठीक है। देख सकते हो सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक सामान्य चयन, ठीक है। और इसमें देख लो कि 536 पदों पर चयन है। तो जो लिखित परीक्षा संपन्न हुई थी उसके लिए जो है टंकण के आधार पर जो है 2384 यानी 2384 अभ्यर्थियों को जो है क्वालिफाई करा गया है साक्षात्कार के लिए। और देखो साक्षात्कार की डेट भी क्या आई है, 15 सितंबर 2021 से लेके 8 अक्टूबर 2021। आप देख सकते हो कि आज 8 तारीख हो चुकी है और जस्ट आपके जो है 15 से, यानी कि सिर्फ आप देख सकते हो कुछ ही दिन रह गए हैं, ठीक है। एक हफ्ते बाद आप बोल सकते हो कि आपके इंटरव्यूज़ जो हैं स्टार्ट हो रहे हैं। इंटरव्यू लेटर भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो है आप देख लो कि ये कहाँ आयोजित होगा। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन, तृतीय तल, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। लखनऊ जाएंगे, आपको ये एड्रेस बहुत ही आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इसमें देखो जो साक्षात्कार पत्र है उसके साथ जो है 4 प्रपत्र भी आपको डाउनलोड करने होंगे, ठीक है। इसमें जो है आपको अपनी श्रेणी अर्थात जैसे जो अनारक्षित हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अनुसार आपको जो फ़ी है वो पे करनी होगी, 60 रुपये, ठीक है। जो देखो क्रमानुसार दिया हुआ है, ये अनारक्षित का 60 है, अन्य पिछड़ा वर्ग का भी 60 है, अनुसूचित जनजाति का जो है वो 20 है और अनुसूचित जनजाति का भी 20 है, ठीक है। तो ये आपको जो है ऑनलाइन साक्षात्कार शुल्क जमा करने हैं, ठीक है। और इसके उपरांत ही जो है आप अपना जो है साक्षात्कार पत्र जो है और जो प्रपत्र हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। जब मैंने पहले इंटरव्यूज़ दिए थे उस टाइम पे क्या होता था कि आपको जा कर के इंटरव्यू फीस वहीं पे सबमिट करना होता था सुबह मॉर्निंग में जा कर के, ठीक है। बट अभी शायद कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसकी वजह से आपको ऑनलाइन ही सब कुछ कर देना है, ठीक है। इसके बाद ही जो है आप अपना इंटरव्यू लेटर जो है वो क्या है डाउनलोड कर पाएंगे। और इसमें आपको मैं बता दूँ कि आयोग की वेबसाइट पे यानी कि जिसका होम पेज है वहाँ पे आप इंटरव्यू सेगमेंट में जा करके डाउनलोड इंटरव्यू लेटर पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जो जेंडर है वो आप फिलअप करेंगे, तो फिर जाके जो है आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है। एक चीज़ आपको और बता दूँ कि आपके अभिलेखों का परीक्षण नहीं हुआ है तो आपको अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी वहाँ पर ले करके जाने हैं परीक्षण के लिए, ठीक है। तो आपके जो भी शैक्षिक अभिलेख हैं, जो चीज़ें आपको लगानी हैं, आपको लगता है कि वहाँ लगाना है, इन आपके जो इंटरव्यू लेटर्स के साथ में जो 4 प्रपत्र हैं इनके साथ जो भरी हुई जो सूचनाएं हैं वो सब कुछ भर करके जो है आपको वहां पर ले जाना है, ठीक है। अभ्यर्थी का स्वघोषणा पत्र, वरीयता प्रपत्र को प्रिंट करके भर करके आपको अपने निर्धारित समय पर वहां पहुंचना है साक्षात्कार के लिए, ठीक है। इसमें एक चीज़ और कि साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों के द्वारा जो विज्ञापित पदों के संबंध में सूचना के साथ जो संलग्न विभाग के आवंटन हेतु वरीयता प्रपत्र भरकर जमा करना होगा, ठीक है। आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों की मेरिट और वरीयता को देखते हुए विभाग का आवंटन जो है उसके क्रम में निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट है कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत जो है अपने साक्षात्कार पर उस दिनांक को ना पहुंच पाएँ जो मेंशन किया गया है आपके लिए इंटरव्यू डेट्स जो हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी को जो है 8 अक्टूबर 2021 की शाम 5 बजे तक अपना प्रार्थना पत्र जो है आपका जो भी कारण है उसके सहित आयोग कार्यालय में भेजना होगा, ठीक है। और ऐसे अभ्यर्थी का साक्षात्कार 12 अक्टूबर को 10 बजे से कराया जाएगा। इसके लिए कोई अलग से सूचना नहीं दी जाएगी, डेट्स पहले से ही मेंशन कर दी गई हैं। 12 अक्टूबर को जो भी छूटे हुए अभ्यर्थी होंगे उनका जो है साक्षात्कार कराया जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको जो है एप्लीकेशन देना होगा, जो साक्ष्य है प्रार्थना पत्र का वो देना होगा, ठीक है। और इसके बाद से इन बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि जो उनका निर्धारित समय है, तिथि है 12 को ही, वो पूर्वाह्न 10 बजे जा कर के वहाँ पर अपना साक्षात्कार दें, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, यहाँ पे डेट और साइन उनका है सचिव का। तो ये सारी चीज़ें आपको अब बता दी गई हैं अपनी। देखो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, जहाँ तक मैं सोच रही थी कि ये टाइम मिल जाएगा आपको कम से कम 10-12 दिन का, लेकिन देखो कुछ भी नहीं मिला।
ठीक है, तो जो प्रिपरेशन आपकी पहले से रही होगी तो वही होगी अभी। और अब एक हफ्ता बस एकदम लग जाना है, कैसे भी करके सारी चीज़ों को कवर अप करना है, सारी चीज़ों को करके जो है बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए अब, क्योंकि फिर घबराहट में पढ़ाई भी नहीं हो पाती है और ज़्यादा पढ़ोगे तो खिचड़ी बन जाएगा, है ना। तो ठीक है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करिए और बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू देना है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और सभी लोगों से एक अनुरोध है, अपने अपने इंटरव्यू डेट्स जो हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों के इंटरव्यू डेट्स क्या हैं। ठीक है, चलिए, हो सकेगा अगर आप लोग कहेंगे तो टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना दिया जाएगा सभी इंटरव्यू कैंडिडेट्स के, ठीक है, ताकि आप लोग की हेल्प हो सके। और जो जो इंटरव्यूज़ होते जाएंगे क्वेश्चन ज़रूर शेयर करते रहिएगा, जिससे कि ये मत सोचा करो कभी कि आप बता देंगे तो उनसे, सबसे वैसा नहीं पूछा जाता है, सबके बताने का तरीका एक नहीं होता है, सबके बताने का तरीका अलग होता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। और सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, ध्यान रखना, कमेंट ज़रूर करना कि आपके इंटरव्यू डेट्स कब हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।